भारत नेपाल सीमा पर स्थित भौरा सौरिया गांव में नहर क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को परेशानी। पिथौरागढ़ सीमा क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर स्थित भौरा सौरिया गांव में बारिश के चलते सिंचाई नहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। नहर में कई स्थानों पर मलबा भरा हुआ है। ग्राम प्रधान केसर सिंह का कहना है कि बारिश के कारण सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को सिंचाई आदि के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय रोपाई का चल रहा है, नहर के क्षतिग्रस्त होने से खेतों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि सीमा क्षेत्र के रावतगढ़ा में प्रथम चरण की रोपाई समापन की ओर है। गाँव में रोपाई दो चरणों में होती है। पहला चरण अब समापन की ओर है। पहले चरण की रोपाई के बाद ग्रामीण दूसरे चरण की रोपाई के कार्य में जुट जाते हैं। रोपाई के लिए पानी बहुत ही आवश्यक होता है। नहर क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे फसल आदि के लिए भी कई तरह की परेशानी है। आंतरिक मार्गों में मलबा जमा होने से हो रही ग्रामीणों को परेशानी। पिथौरागढ़ जनपद में बीते दिनों हुई बारिश से आंतरिक मार्गों में कई जगह अभी भी मलबा जमा है, जिस कारण ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा जमा होने के कारण यातायात प्रभावित है। मलबा आने से कई मार्गों में राया बजेता मार्ग, नाचनी बांसबगड़ मार्ग, तवागाड़ लिपुलेख मार्ग सहित कुछ अन्य मार्गों में मलबा आने से आवागमन प्रभावित रहा है। ग्रामीण मलबे को पार कर आवाजाही करने को मजबूर है। राया बजेता मार्ग में बीते दिवस ग्रामीण स्वयं ही मलबा हटाने में जुटे रहे थे। कार्यकर्ताओं का गांव व शहर बचाओ अभियान जारी। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व लोगों को जागरूक करने को लेकर आप कार्यकर्ताओं का गांव व शहर बचाओ अभियान जारी है, जिसके तहत आप कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की ऑक्सीजन लेवल की जाँच करने के साथ ही दवा वितरित कर रहे हैं। अभियान में पार्टी के संगठन मंत्री गिरीश जोशी, वरिष्ठ कार्यकर्ता गोविंद बिष्ट सहित कई अन्य पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने की मेडिकल सामग्री वितरित। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मयूब मेहर के निर्देशन व जिलाध्यक्ष रिसेन मेहर के नेतृत्व में ब्लड बैंक में स्वास्थ्य कर्मियों को मेडिकल सामग्री वितरित की। वितरण को लेकर ब्लड बैंक प्रभारी नागेंद्र शर्मा, लैब टेक्नीशियन नरेंद्र नगरकोटी, कुमुद कोठारी, विक्की कन्यावाल द्वारा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सराहना की गई। सामग्री वितरण में यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव करण सिंह, जिला महासचिव प्रकाश देवली, शिवम पंत सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।